हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में और बताएंगे आपको कि ये ब्रेस्ट एब्सेस महिलाओं में कब होता है, ब्रेस्ट एब्सेस हो जाने पे हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस ना हो इसके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और कौन कौन सी जो है होम्योपैथिक दवा ब्रेस्ट एब्सेस में काम आती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। दोस्तों, ब्रेस्ट एब्सेस महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाली एक समस्या है। इस समस्या में महिलाओं के जो है ब्रेस्ट में पस का जो है फॉर्मेशन होने लगता है और जो है इसके वजह से महिलाओं में जो तमाम तरह की जो है दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे कि ब्रेस्ट एब्सेस हो जाने पर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या होती है उनको जो है जो सबसे बड़ी समस्या होती है उनके जो है ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में कड़ापन, लाली आ जाना, टपकन जैसा दर्द होना, इसके अलावा जो है ब्रेस्ट में चलते समय पेन होना और इसके अलावा ब्रेस्ट के जो है नलियों में दूध की गांठें बन जाना और यह समस्या जब और बिगड़ जाती है तो ब्रेस्ट से जो है निप्पल के रास्ते जो है पश जो है आना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों, ब्रेस्ट एब्सेस में जो महिलाओं में लक्षण दिखाई देता है, ब्रेस्ट में टपकन वाला दर्द, ब्रेस्ट में लाली, सूजन, कड़ापन, इसके अलावा जो है ब्रेस्ट से जो है होते हुए निप्पल के द्वारा जो है पश जो है आना, ये समस्या जो है ब्रेस्ट एब्सेस में देखा दे। अब दोस्तों चर्चा करेंगे ब्रेस्ट एब्सेस के क्या कारण हैं, किस वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट एब्सेस की जो है समस्या होती है। दोस्तों, यह हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या जल्दी जो है उन महिलाओं को होती हैं जिनके जो है बच्चे छोटे हैं या जिन्होंने अभी तुरंत जो है बच्चों को जो है जना है। दोस्तों, होता क्या है कि जल्दी जो है महिलाएँ जो है जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो ऐसे समय में अगर बच्चों के ओरल कैविटी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है मुंह से होते हुए निप्पल के रास्ते जो है ब्रेस्ट के अंदर चला जाता है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अंदर धीरे धीरे जो है सूजन आ जाती है और जो है वहाँ जो है दूध के नलियों में गांठें बन जाती हैं और वहाँ पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अगर बहुत जो है ध्यान नहीं दिया गया इस समस्या पे, तो धीरे धीरे जो है ब्रेस्ट में एक बहुत तेज़ी से दर्द शुरू हो जाता है और जो है ब्रेस्ट से होते हुए निप्पल के रास्ते पस का जो है निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इसमें दोस्तों अगला कारण है, अगर महिलाओं के निप्पल में किसी प्रकार का दरार है तो उस दरार के जरिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है निप्पल के रास्ते होते हुए अंदर चला जाता है और जो दूध की नलियां हैं उनको संक्रमित कर देता है, जिसके वजह से जो है दूध की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, दूध का सेक्रेशन नहीं हो पाता है, जो मिल्क ग्लैंड से दूध निकल के नलियों के रास्ते निप्पल तक आता है उन नलियों में संक्रमण हो जाने की वजह से वहाँ जो है सूजन हो जाती है और जब सूजन हो जाती है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है उनको जो है ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया को डेड करने के लिए आते हैं और जब बैक्टीरिया को डेड करते हैं उस दौरान जो है कुछ जो है सेल टिश्यू वहाँ डेड होते हैं। WBC जो है जब बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है और उसको हटाने की कोशिश करता है तो वहाँ कुछ सेल टिश्यूज़ वहाँ जो है डेड होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो है देखा गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए जब हमारा WBC वर्क करता है तो भी वहाँ भी जो है पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगला कारण इसमें आता है कि जो माताएं बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, किसी वजह से अगर वो बीमार हो जाती हैं, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं तो धीरे धीरे मिल्क जो है ग्लैंड्स से जो मिल्क आता है दूध के नलियों में जो है जमा होने लगता है और अगर उनको जो है समय पर ड्रेन नहीं किया गया, निकाला नहीं गया तो धीरे धीरे वहाँ दूध
की जो है गांठें बना लेते हैं और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे पस में जो है कन्वर्टेड हो जाता है। तो अगर महिलाएं जो है बीमार हो गई, बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो उसके वजह से भी जो है ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या देखी गई है। अगला दोस्तों इसमें कारण आता है, अगर दूध पीने वाला बच्चा बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जिसके वजह से माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो भी जो है दूध का कलेक्शन जो है ब्रेस्ट में होने लगेगा। और अगर ये दूध बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसको हम किसी तरीके से ड्रेन आउट नहीं कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे जो है वहाँ गांठें बन जाएंगी, मिल्क ग्लैंड्स से जो निकलने वाली दूधें हैं दूध के नलियों में आकर जमा हो जाएगा, वहाँ जो है लैक्टोसील की समस्या हो जाएगी। और धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ जो है पस का फॉर्मेशन होने लगेगा और वो जो है धीरे धीरे पस जो है हमारे जो है निप्पल से आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया कारण जिसके वजह से ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या होती है। अब दोस्तों आता है यहाँ कि महिलाओं को ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। दोस्तों अगर महिलाएं चाहती हैं कि हमको ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या ना हो, तो उसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जैसे महिलाएं जो है अपने बच्चे को बराबर जो है फीडिंग कराती रहें, बच्चे को जो है समय समय पर फीडिंग जो है दोनों स्तनों से बारी बारी जो है हर दो घंटे पे अदल बदल के कराते रहना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट में जो है मिल्क जो है इकट्ठा ना होने पावे। इसके अलावा महिलाओं को हाइजीन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई ज़रूर रखना चाहिए। अगर किसी वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या महिलाएं जो है बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो उसको जो है दूध को निकलने की कोई ना कोई जो है व्यवस्था होनी चाहिए, या पहले या तो ब्रेस्ट पंप के द्वारा जो है दूध को निकाल लें, या हाथ से दबा करके दूध को ड्रेन आउट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ताकि वहाँ दूध का कलेक्शन ना होने पावे। क्योंकि अगर दूध का कलेक्शन वहाँ होगा और दूध वहाँ ज़्यादा दिन तक रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो धीरे धीरे जो है वहाँ जो एब्सेस फॉर्म करने लगेगा और एब्सेस धीरे धीरे पस का जो है निर्माण करता है और यह पस धीरे धीरे जो है निप्पल के जरिए जो आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों महिलाएं जो है बराबर समय समय पर बच्चे को दूध पिला करके, या ब्रेस्ट पंप द्वारा जो है दूध को ड्रेन आउट करके, या साफ़ सफाई रख करके जो है ब्रेस्ट समस्या से जो है बच सकती हैं, ब्रेस्ट एब्सेस को रोक सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ आता है कि अगर ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या हो गई है तो महिलाएं जो है क्या करें, इसमें कौन सा जो है होम्योपैथिक उपचार है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों ब्रेस्ट एब्सेस में होम्योपैथिक दवाएँ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर लक्षण के हिसाब से जो है दवाएँ दिया जाए तो ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या ठीक हो जाती है और महिलाएं जो है बिना ऑपरेशन के जो है ठीक हो जाती हैं। दोस्तों कुछ दवाओं का चर्चा हम यहाँ करते हैं जिनका उपयोग करके महिलाएं जो है इस समस्या से बच सकती हैं। दोस्तों प्रारंभिक लक्षणों में जब ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या होती है तो देखा जाता है कि महिलाएँ जो है बताती हैं कि ब्रेस्ट में पेन है, दर्द है, सूजन है, उसमें लाली हो गई है। तो दोस्तों अगर महिलाएं जो है शिकायत करती हैं कि ब्रेस्ट में पेन है, सूजन हो गया है और टपकन टाइप का उसमें दर्द है, तो ऐसे लक्षण पे बेलाडोना 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 15 से 20 दिनों तक अगर यूज़ किया जाए, तो धीरे धीरे जो ब्रेस्ट में सूजन है, लाली आ गई है या टपकन टाइप का दर्द है, वह जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें जो आती है फाइटोलका। फाइटोलका भी दोस्तों जो है ब्रेस्ट एब्सेस की बहुत अच्छी दवा है। फाइटोलका में ब्रेस्ट जो है छूने में काफ़ी कड़ा हो जाता है, उसमें दर्द रहता है, तो ऐसे समय में जब ब्रेस्ट काफ़ी कड़ा हो जाए, उसमें दर्द रहे, तो फाइटोलका जो है बहुत अच्छा काम करता है। फाइटोलका 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 15 से 20 दिनों तक यूज़ कराया जाए, तो धीरे धीरे ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या जो है ठीक हो जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें जो आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी जो है ब्रेस्ट एब्सेस की बहुत अच्छी दवा है, खास करके अगर जो है महिलाओं का जो है ब्रेस्ट बिल्कुल कड़ा हो गया हो और चलने पे जो है ब्रेस्ट में काफ़ी दर्द होता हो, उसमें सूजन आ गई हो, ऐसे समय में ब्रायोनिया को रोला जाता है। और ब्रायोनिया जो है 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 15 से 20 दिनों तक इसको यूज़ कराना है। दवाएं जो है रिकवेक कंपनी में, SBL कंपनी में या स्वाबे कंपनी में पैक लेनी है और 5-5 बूंद सीधे जीभ पर
लगातार 15-20 दिनों तक यूज़ कराना है तो धीरे धीरे वेस्ट अपचे समस्या जो है ठीक हो जाती है। दोस्तों ये लक्षण जब वेस्ट में खास करके सूजन हो, दर्द हो, लाली हो, चलने में पेन हो रहा हो तो ऐसे समय में बेलाडोना, ब्रायनिया, फाइटोलका ये दवाएं जो है चलेंगी। किंतु अगर लापरवाही की वजह से वेस्ट में पस का फॉर्मेशन शुरू हो गया है और जो है वेस्ट से होते हुए निपल के जरिए जो है पस निकलना शुरू हो गया है तो ऐसे समय में जो है जो दवा चलती है वो है सेलिसिया। सेलिसिया में दोस्तों जो ब्रेस्ट के जरिए पस आता है निपल से, जो है पश में कुछ खून मिला हुआ होता है, उसमें काफ़ी बदबू होता है, तो ऐसे समय में जो है सेलिसिया का उपयोग होता है। सेलिसिया का मरीज़ काफ़ी चिली नेचर का होता है और ब्रेस्ट के निपल से पस आना, पस में खून मिला हुआ होना, उसमें काफ़ी बदबू होना, ऐसे समय में सेलिसिया 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार जो है 15-20 दिनों तक यूज़ कराना है। धीरे धीरे पस जो है बनना रुक जाता है और एब्सेस भी जो है ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें जाती है हिपरशर्व। ऐसे समय में जब ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव हो गया हो, छूने से ही उसमें काफ़ी पेन हो रहा हो, पस लगातार आ रहा हो, पस में बदबू हो, ऐसे समय में हिपरशर्व का रोल आ जाता है। हिपरशर्व 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 15-20 दिनों तक यूज़ करते हैं तो जो है ब्रेस्ट से जो पस आ रहा है, एब्सेस आ रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें जाती है कैल्केरिया सल्फ। कैल्केरिया सल्फ ब्रेस्ट से पस आने की समस्या में, मवाद आने में जो है काफ़ी अच्छा रोल करता है। कैल्केरिया सल्फ को हाई पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 1000 पावर में या 200 पावर में इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप 200 पावर में यूज़ कर रहे हैं तो 5 बूंद सुबह शाम यूज कर सकते हैं और 1000 पावर में यूज़ करते हैं तो 5 बूंद सप्ताह में एक बार देना है। तो दोस्तों ये दवाएं हो गई जो पस आने पर काम करती हैं। तो लक्षण के हिसाब से अगर ब्रेस्ट एब्सेस के केस में अगर जो है दवाएँ चलाई जाए तो ब्रेस्ट एब्सेस समस्या जो है ठीक हो जाती है, मरीज को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है, ऑपरेशन जैसे तकलीफ से बच जाता है और जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुँच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।